हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये सुबह का ही वीडियो है। मैं नहा कर आई थी और तिवारी जी जा रहे हैं अपने काम से, तो बस वो भी धूप में खड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ धूप में खड़ी होने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने बालों में से पानी को सुखा रही हूँ। आज मैंने बाल धोए हुए हैं और आपको पता है जिस दिन बाल धोते हैं उस दिन तो सर्दी बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ लगती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाल गीले रहते हैं इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बालों में अच्छे से टॉवल से पानी साफ कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर गेट और मैंने शटर खोल दिया है क्योंकि तिवारी जी ले जा रहे हैं गाड़ी, इसीलिए मैंने दोनों खोल दिए हैं। और मैं खड़ी हो गई हूँ नीचे धूप में, क्योंकि धूप नीचे ही लग रही थी, इसीलिए 10 मिनट तक वहाँ पर खड़ी रही और फिर इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर क्या है, चेहरे पर नहीं लग रही है, वैसे पैरों तक तो आ रही है धूप, और धूप भी मतलब उस तरीके से नहीं आ रही है जिस तरीके से रोज़ आती, बहुत तेज़। आज थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा है कि धूप आ रही है और जा रही है, नहीं तो धूप वैसे 2-3 दिन से बहुत अच्छी निकल रही थी। आप 10-15 मिनट अच्छे से धूप में बैठ जाओ तो धूप लगने लगी थी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी धूप सुबह से आ रही है लेकिन लग नहीं रही है, क्योंकि हवा थोड़ी ज़्यादा है आज। और आज ही मैंने अपने बाल धो लिए तो इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा 10-15 मिनट खड़ी रहती हूँ धूप में, जिससे मेरे बाल भी सूख जाएंगे और मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। इसके बाद मैंने कहा अपने बालों में कंघी भी कर लेती हूँ, क्योंकि गीले बाल कम टूटते हैं, जैसे मैं बाल मतलब कंघी करती हूँ तो उस तरीके से कम बाल टूटते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे आधे बाल तो मतलब अच्छे से सुलझ भी गए हैं, बस ऊपर रह गए हैं बाल सुलझने वाले, तो मैं आराम से धीरे धीरे करके पूरे सुलझा लूँगी। क्या है फिर जब सूख जाते हैं तब सुलझाओ तो इतने सारे बाल टूटते हैं, वैसे भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं पता नहीं क्यों, और सर्दियों में तो वैसे सभी के झड़ते हैं, मेरी बेटी के भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल, इतने पतले हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए। और बस यहाँ पर मैंने कहा चलो अपने बाल सुलझ गए हैं तो जो नीचे मेरे बाल झड़ गए थे उनको भी मैं अच्छे से समेट कर और एक साइड रख देती हूँ, जिससे इधर उधर उड़े नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, लाइट चली गई है, दोनों कमरे अभी साफ भी नहीं हुए हैं, और बस झाड़ू लगाया था मैंने केवल, और लाइट को आधा एक घंटा से ऊपर हो गया है और लाइट अभी आई नहीं है। और फ्रेंड्स, हम जैसे ही रूम में गए वैसे ही लाइट चली गई थी, तो कुछ पता भी नहीं था कि लाइट कब आएगी। जब थोड़ी देर बाद पता चला कि न्यूज़पेपर में आया है 5 घंटे की कटौती है, तो मतलब पता भी नहीं था कि लाइट जाएगी, नहीं तो पानी वगैरह भर कर रख लेते हम लोग। और आज फ्रेंड कटौती है लाइट की 10 बजे से 2 बजे तक, हमें पता भी नहीं था। और आज हमने मतलब पानी भी नहीं भरा, सिर्फ एक गुंड ही पानी भरा था। और अब बैठे हुए हम लोग पूजा के लिए, क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा पड़ा है थोड़ा रूम में, तो बस यही सोच रही हूँ लाइट आ जाए तो जल्दी से पूजा भी हो जाए। और खाना तो मैंने बना लिया है क्योंकि यहाँ पर इतना अंधेरा नहीं रहता है किचन में, लेकिन दोनों कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर भी अंधेरा सा लग रहा है, और कमरों में तो मैं आपको दिखा दिया कितना अंधेरा रहता है। तो चलिए अब मैं एक कप बना लेती हूँ चाय, बहुत ज़्यादा सर्दी है और मेरी बेटी को भी पीना है, तो बस एक नहीं 2 कप बना लेते हैं हम चाय। और यहाँ पर देखिए इस तरीके का दिखता है अंधेरे की वजह से, क्योंकि लाइट होती है तो अच्छे से दिखता है, वीडियो अच्छी होती है, नहीं तो पूरे में मतलब ये मच्छर टाइप के दिख रहे हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ चाय, फिर आप लोगों से मिलूँगी। और आज मैंने ये मेरी बेटी का जर्किन पहने हुए हैं, ये देखिए पिंक वाली। और यहाँ पर रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, 1 कप पानी रख दिया है, उसमें चाय पत्ती और शक्कर अदरक पीस कर डाल दिया है कि जिससे चाय उबलेगी, तब तक मैं दूध में से निकाल लूँगी मलाई, क्योंकि ये दूध मैंने अच्छे से गर्म करके खूब इसको आटा दिया था और उबलने दिया था खूब अच्छे से, तो बस इसमें पूरे दूध में मलाई ही मलाई है। फ्रिज में रख दिया था उबाल कर, ठंडा हो गया था तब,
तो इसके बाद ये फ्रिज में रख दो तो मलाई बहुत अच्छी पड़ती है। तो ये देखिए पूरे दूध में मलाई है। तो मैंने कहा पहले मैं मलाई निकाल लेती हूँ, इसके बाद डालूँगी चाय में दूध। और मैं रोज़ ही निकाल लेती हूँ, मतलब एक कटोरा है बड़ा सा, उसमें तो आधा कटोरा हो गया है। जब भर जाएगा कटोरा तो फिर मैं इसको अच्छे से मिक्सी में या फिर मशीन लगा दूँगी, तो फिर घी निकल आएगा और घर का घी हो जाएगा। और घर का घी चाहे मलाई का हो या घर का हो, उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले मैं निकाल लेती हूँ मलाई, इसके बाद चाय में दूध डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने आधा गिलास दूध डाल दिया है इसमें। और चाय की कलर देख लीजिए कितना, मतलब दूध बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चाय को उबाल लूँगी और फिर मैं और मेरी बेटी दोनों पियेंगे चाय। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। सर्दी के दिनों में मतलब एक सहारा होता है चाय, जैसे ही थोड़ी बहुत सर्दी लगती है तो वैसे ही मन करता है कि चलो अब चाय बना लूँ, कि जिससे अंदर से सर्दी भाग जाए। तो बस फ्रेंड चाय उबल चुकी है, तो अब मैं चाय को छान लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने एक कप में चाय छान ली है और एक गिलास में, क्योंकि मैं गिलास में ही पीती हूँ इसलिए कप में भी पी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि कप में नहीं पीती हूँ, लेकिन गिलास में अच्छा रहता है मुझे, तो मैंने गिलास में छान ली है। फ्रेंड्स लाइट नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लाइट आएगी 2 बजे, 2 बजे लाइट आएगी। आप ये आवाज लगा रही है, और ये देखिए जिम्मी को, हाँ अभी तुमको भी रख रहा चुनिया, तुमको भी रखेंगे रखेंगे। तुमको भी पीना है? क्या है, बैठ जाओ, वहां बैठो, धूप में बैठ जाओ, अभी देंगे तुमको भी दूध रोटी, दूध रोटी चाय नहीं, चाय नहीं पीते, वहां बैठ जाओ। क्या है बिल्ली, मार दूंगी अभी, चल। और आज देखिए फ्रेंड्स, जिम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया कि मुझे इतना प्यार बता रही है, बहुत ही ज़्यादा, नहीं तो मुझसे इतना डरती है कि मैं एक आवाज़ लगा देती हूँ तो बस वहीं पर जाकर बैठ जाती है। बहुत ही कम, मतलब ऐसा है कि मेरा नहीं सुनती है, मुझसे तो बहुत ही डरती है। और आज तो मान भी नहीं रही है, मैं उसको डांट भी रही हूँ तब भी नहीं मान रही हूँ। ये देखिए कितना मतलब प्यार बता रही है, मुझ पर बार बार चढ़ रही है। और बस चाय पीने के बाद मैंने कहा चलो चुनिया को भी रख देती हूँ भूसा, क्योंकि चुनिया भी खा लेगी और लाइट का तो अब इंतज़ार ही करना है 4-5 घंटे तक। तो मैंने कहा जब तक यहीं पर मैं बैठी हूँ, क्योंकि कमरे का तो कोई काम हो नहीं सकता, किचन का मेरा काम हो गया है, तो मैंने कहा चलो धूप में बैठ जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी भी है आज, तो इसीलिए मैंने चुनिया को भूसा रख दिया है। और फ्रेंड्स अब आई हुई है, लाइट बच चुके हैं 2:30, ये देखिए मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ। और ये देखिए 2:30 बज चुका है, तो 2:30 बजे लाइट आई है, सुबह से पूरा 4.5 घंटा हो गया है। और यहाँ पर मेरी बेटी खिला रही है जिम्मी को खाना, क्योंकि सुबह से जिम्मी ने आज कुछ भी नहीं खाया है, इसने 11:30 बजे खाना खिलाया था जिम्मी को, लेकिन इसने नहीं खाया था, तो उसने फिर दूध पिला दिया। और अब मेरी बेटी जा रही है कोचिंग, तो उसने कहा एक बार और कोशिश करती हूँ, अगर ये खाएगी तो खिला दूँगी, नहीं तो फिर ये शाम को ही खिलाऊँगी। लेकिन जिम्मी अब अपना खाना खा रही है,
और ये देखिए जब उसको नहीं खाना होता है तो मुंह में से रोटी निकाल देगी, और खाना है तो चुपचाप खाती रहेगी। और ये मेरी बेटी के हाथ से ही खाती है रोटी, चाहे भूखी रहे एक दिन तक। और इसके बाद मेरी बेटी कोचिंग चली गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लूँ। ये वाली अलमारी में मेरी बेटी स्वेटर वगैरह जरकन निकालती हैं, तो पूरी अलमारी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ऊपर मेरे बेटे के कुछ खिलौने और मेरा ज़रूरी सामान रखा हुआ है। तो क्या है बेटी, और सुबह से जल्दी कॉलेज स्कूल मतलब कॉलेज स्कूल कोचिंग जाती हैं, तो जल्दी से निकाला उन्हें, जौन सा उन्हें जर्किन स्वेटर पहनना है। और आने के बाद जैसे उनसे घड़ी बनती है बनाकर उसमें रख देती है, तो मतलब पूरा तहस नहस हो रहा था अलमारी, तो मैंने कहा अच्छे से मैं जमा कर रख देती हूँ। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है कि मतलब एक ही अलमारी बार बार रोज़ रोज़ मैं उसको साफ करती रहूं, तो मैंने कहा आज अच्छे से पूरी स्वेटर जर्किन और घड़ी कर रख देती हूँ। स्वेटर एक साइड रख दूँगी और जैकेट एक साइड, जर्किन वगैरह बच्चों की सभी। तो बस यहाँ पर हम सभी के स्वेटर रखे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं जब तक अच्छे से कपड़ों की घड़ी कर कपड़े नहीं स्वेटर वगैरह जो भी स्वेटर हो जर्किन हो उनकी अच्छे से घड़ी कर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स घड़ी कपड़ों की अच्छे से हो गई थी, तो बस मैंने कहा अब ये देखिए मेरी बेटी के कान में लगाने का है, सुबह लगा कर जाती है, टोपर नहीं लगाती है। तो बस पूरा अच्छे से कपड़े रख दिए हैं और पर्दा भी लगा दिया है। इसके बाद जो पलंग में रैक है ना, तो उसमें भी कुछ जो कपड़े नहीं पहनते हैं बच्चे, तो वो मैं रख देती हूँ। जैसे 2-3 काना की मेरे बेटे की शर्ट है स्कूल की यूनिफॉर्म, तो वो रखी हुई हैं। जैसे सुबह एक नहीं मिलती है तो तुरंत दूसरी निकाल कर मैं उसको पहना देती हूँ। और बस यहाँ पर हैंकी वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के, तो मैंने उनको भी अच्छे से रख दिया है सभी को। फ्रेंड्स अलमारी भी अच्छे से मैंने कपड़े जमा दिए हैं, और बेड में भी कुछ कपड़े यहाँ से वहाँ हो गए थे, बेटा ने हैंकी निकाला था तो वो भी कर दिया है। अब रह गया मुझे बेड सही करना, तो चलिए मैं बेड और सही कर देती हूँ। कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत सामान डाला हुआ बेड पर और कुछ सफाई डली हुई सब कुछ, क्योंकि लाइट नहीं थी तो बच्चे लोग कोई भी नहीं अंदर आए। तो चलिए मैं ये और कर लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। और फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया है, शाम का झाड़ू भी मैंने लगा लिया है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए मैं आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। सभी को राधे राधे।